सभी किसान साथियों का हमारे अपने कृषि खेती यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे मूंगफली की सबसे लोकप्रिय वैरायटी आरजी 425 के बारे में। साथ ही किसान साथियों जानेंगे कि आरजी 425 मूंगफली की वैरायटी पैदावार कितनी देती है और साथियों जानेंगे कि यह रोगों और कीटों के प्रति कितनी अवरोधी गुण प्रकट करती हैं। साथियों, उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे अपने कृषि खेती YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। साथियों, आज जो 425 मूंगफली की ये वैरायटी एक अर्धविस्तारी वैरायटी है। साथियों, ये वैरायटी बारानी और सिंचित दोनों क्षेत्रों के लिए उपयुक्त वैरायटी है। किसान मित्रों, आज 425 के दाने बड़े होते हैं। दानों के रंग की बात करें तो इसके दाने गुलाबी तथा सफ़ेद रंग के होते हैं और साथियों आज 425 वैरायटी सूखा सहन करने की क्षमता रखती हैं। किसान मित्रों, आज 425 वैरायटी 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। किसान मित्रों, आज 425 वैरायटी कॉलर रॉट रोग, तना गलन रोग, जड़ गलन रोग, पछेती धब्बा रोग, अगेती धब्बा रोग, इसके अलावा ग्रीवा विगलन रोग, कलिका विषाणु रोग आदि रोगों के प्रति अवरोधी गुण प्रकट करती हैं। अर्थात साथियों, आरजी 425 मूंगफली की इस वैरायटी में इन रोगों का प्रकोप बहुत ही कम देखने में पाया गया है। इसके अलावा साथियों, आरजी 425 मूंगफली की इस वैरायटी में रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप भी बहुत ही कम देखने में मिला है। साथियों, आरजी 425 मूंगफली की ये वैरायटी दोमट, काली और रेतली मिट्टी के लिए उपयुक्त पाई गई हैं। किसान मित्रों, अब बात कर लेते हैं आरजी 425 मूंगफली की इस वैरायटी की पैदावार क्षमता की। तो साथियों, अगर हम उन्नत विधि अपनाकर खेती करें तो यह वैरायटी लगभग 32 से 36 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता रखती हैं। किसान मित्रों, मूंगफली की फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए तीन बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले साथियों, आप उन्नत वैरायटी अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी का ही सिलेक्शन करें। दूसरा साथियों, आप जब भी खेत की तैयारी करें तो आप वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग अवश्य करें। तीसरा साथियों, जब आप मूंगफली की बुआई करें तो आप सीड ट्रीटमेंट अवश्य करें। इससे साथियों, आपकी फसल रोगों और कीटों के प्रति अवरोधी गुण प्रकट करेगी, अर्थात साथियों उसमें रोग और कीटों का प्रकोप देखने में नहीं मिलेगा। साथियों, अगर आपने अब तक हमारे अपने कृषि खेती YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।